पर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 जो था वो पहले सैमसंग की तरफ से आता था जो 4 नैनोमीटर का चिपसेट होता था, पर उसमें कुछ मेजर हीटिंग इश्यू की वजह से जो स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 जो है उसका नेक्स्ट वर्जन वो TSMC की तरफ से आने लगा। अभी सैमसंग का भाई कुछ ऐसा लीक्स निकल के आ रहा है कि 3 नैनोमीटर पे सैमसंग काम कर रहा है, 3 नैनोमीटर शायद सबसे पहले सैमसंग निकाल ले। तो अभी भाई देखने में काफी मजा आ रहा है कि भाई कौन जीतेगा, TSMC या फिर सैमसंग। काफी अच्छा है भाई, आपको क्या लगता है भाई कौन सबसे पहले 3 नैनोमीटर का चिपसेट निकालने वाला है, सैमसंग या फिर TSMC? कमेंट में बोलिए।